हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार से कबाब बनाने वाले हैं। वैसे तो कबाब सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो यहाँ पे हम आज सोया सीख कबाब बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं ये सीख कबाब। तो यहाँ पे हम आज सोया सीख कबाब बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे हमने सोयाबीन लिया हुआ था और इसको एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, थोड़ा सा गर्म पानी में हमने भिगोया था। उसके बाद में इसको इस तरह से देखिए ग्राइंड करके हमने रख लिया है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, और एक मैं यहाँ पे आपको इंग्रीडियंट और दिखा देती हूँ। ये मैंने मसाला रेडी किया था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, साथ ही साथ थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक इलायची जो बड़ी वाली होती है उसको पहले रोस्ट करके और इस तरह से भून के पीस के मसाले को हमने रेडी किया हुआ है। तो अभी हमें कबाब बनाने के लिए पहले मिक्सचर जो रेडी करना होगा, तो ये हमने सोयाबीन ले लिया और इसमें ये हमने चने की दाल ली हुई थी सिंपल, इसको थोड़ी देर के लिए हमने 20 मिनट के लिए पानी में भिगोया था। उसके बाद में इसको हमने कुकर में विसल लगा के इस तरह से बॉईल करके हमने रख लिया है। और साथ ही साथ ये प्याज इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर देते हैं। तो एक तो ये जो हमने मसाला बना के रखा था, ये मसाला जब एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ताजा ताजा एकदम रोस्ट करके और इसको पीस के इस तरह से जब कबाब में डालते हैं, सीख कबाब हो या कोई भी आप कबाब बनाए वेज कबाब, तो जब इस तरह से इसको डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा इसमें खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये हम नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुटी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा एक पिंच के करीब गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच के करीब डालेंगे। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर। और पहले इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे, तो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इन सबको। देखिए इस तरह से ये मिक्सचर में पहले सभी मसाले हमने मिला लिए हैं। तो अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम बेसन भी डालेंगे। तो बेसन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इस तरह से बेसन को हम इसमें करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि एक साथ नहीं डालेंगे। बेसन डाल के थोड़ा सा बाइंडिंग इसकी और अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए इस तरह से मैं इसको मिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। और इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए जब हम कबाब बनाना भी स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से एकदम बाइंड हो रहा है। तो चलिए इसको रखते हैं और स्टार्ट करते हैं सीख कबाब बनाना। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से ये देखिए ये मैंने स्टिक ली हुई है, और अगर कभी कभी लोगों को इस तरह की जो स्टिक नहीं अवेलेबल हो पाती है तो बिल्कुल छोटे छोटे से बना लेते हैं, यहां तक कि लोग टूथपिक भी यूज कर लेते हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से बनते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पर इस तरह की स्टिक लेंगे सिंपली, जैसे टिक्का विक्का बनाने के लिए हम लोग लेते हैं ना, तो इजिली ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है स्टिक्स। तो पहले इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा करके इसको हम लेंगे। ये देखिए इस तरह से लंबा लंबा हमने किया। अभी हमें क्या करना है, स्टिक को रखेंगे, स्टिक को रख के इस तरह से ये देखिए ये पूरा स्टिक पे रख के हमें स्टिक को इसमें अच्छे से बिल्कुल जो है चिपकाना है, और अगर निकलेगा तो थोड़ा सा और इसमें लगा देंगे हम, जैसे साइड से अगर निकलेगा तो इसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे इस पे स्टिक में। ये देखिए इस तरह से पूरा लगा के और हल्के हाथों से थोड़ा सा टाइट करके इसको देखिए कॉर्नर्स पे भी हल्का सा हम प्रेस कर रहे हैं, और इस तरह से ये स्टिक में देखिए हमने इसको लगा दिया पूरा। तो इसी तरह से ये बना बना के हम रेडी करेंगे। तो एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो इसी तरह से दूसरा भी एक बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसको लंबा करके, अगर आप छोटे छोटे बनाना चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। तो पहले एक स्टिक में बीच में इसमें कर देती हूँ ताकि इसमें शेप इसको आसानी से हो जाएगा इसका।
देखिए इस तरह से हमने कर दिया और बस हल्के हाथों से इसको देखिए इस तरह से मैं दबा रही हूं। यहां से थोड़ा सा लूज है तो थोड़ा सा और इस पे लगा देती हूं और ये देखिए इस तरह से ये बना लिया मैंने एक और। तो इसी तरह से पहले सारे कबाब बना के हम रख लेंगे और साथ ही साथ तवा भी हम, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, तो तवा भी हम रख लेंगे तो हल्का सा गर्म हो जाएगा ऑयल लगा के। और ये देखिए इस तरह से पहले पांच कबाब बना के हमने रेडी किए हैं, तो अब चलिए इनको शैलो फ्राई करते हैं और तवे को गर्म करेंगे, हल्का सा इसमें ऑयल लगाएंगे और इस तरह से एक एक करके हम इस पे रखेंगे और इसी तरह से इसको पलटते हुए हम दोनों साइड से इन कबाब को हम फ्राई करेंगे। पहले एक साइड जब हल्का सा फ्राई हो जाएंगे, कलर अच्छा आ जाएगा, तब तो हम दूसरे साइड से इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए इस तरह से बहुत ही आहिस्ते से दोनों साइड से पलटते हुए हम इनको पका रहे हैं। देखिए दोनों साइड से हो गया, बस साइड से कॉर्नर्स और रह गए, तो हल्का सा कॉर्नर्स पे और इनको पका लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया से, एकदम कहते हैं ना कि मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल बढ़िया सोया सीख कबाब बन के रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने टेस्ट में तो और ही बिल्कुल लाजवाब बने हैं। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएंगे सभी को। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज फ्रेंड्स इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी नई सी मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।